प्रिय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का क्रूस अवलोकन कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस तीसरे कथन में एक विशेष बात कही। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस कथन में जो आप यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय और 26 और 27 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, जब प्रभु यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो उसने अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस कथन में प्रभु यीशु की आत्मा की ओर से निकली हुई बात है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस कथन में आप देखते हैं एक रिश्ते का जुड़ना और एक संबंध का अलग होना। 12 साल की उम्र से ही प्रभु यीशु के जीवन में बहुत सारी बातें हुई, जैसे कानाए गलील में भी प्रभु यीशु ने मरियम से कहा, हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया। और यहां पे उसी वदन और उसी वाक्य के साथ प्रभु यीशु ने माता मरियम से कहा कि हे नारी देख तेरा यह पुत्र। सबसे पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को मां क्यों नहीं कहा? उसका मुख्य कारण यह है कि जिस उद्धार के लिए प्रभु यीशु क्रूस पे अपने आप को चढ़ाए जाने के लिए दे रहे थे उस उद्धार की जरूरत मरियम को भी थी। और इस कथन में यदि मैं और आप विचार करें तो यहां पे एक विशेष बात नजर आती है। यहां पे प्रेम का आवेग तो दिखाई देता है, परंतु इस कथन में एक विशेष बात यह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कर्तव्य से हट करके महिमा के जगत को प्राप्त हो जाना। प्रभु यीशु ने मरियम से कहा कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और अपने प्रिय चेले यूहन्ना से कहा कि हे पुत्र देख तेरी ये माता है। प्रभु यीशु ने ये इसलिए कहा क्योंकि कर्तव्य के जगत से हट करके महिमा के जगत में प्रवेश करना, कर्तव्य के जगत से हट करके महिमा के जगत को प्राप्त करना। यहां बहुत रिश्ते हैं इस संसार में, बहुत रिश्ते और नाते हैं, बहुत सारे फर्ज हैं और कर्तव्य हैं, हम कभी उससे छूट ही नहीं पाए। हम महिमा के जगत के विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं। हम उस महिमा के जगत को प्राप्त करने के लिए हमने कभी उसकी तरफ अपना पहला कदम भी न बढ़ाया। और यही कारण है आज की तारीख में भी आप देखते हैं कई लोग प्रभु के दिन में प्रभु के भवन में नहीं आते, चर्चेज में नहीं जाते, प्रार्थना सभाओं में नहीं जाते। उनके पास बहुत सारे कारण हैं, पारिवारिक कारण है, बच्चों के कारण है, पति के कारण है, नौकरी के कारण है, न जाने कितने कारण हैं, कितने फर्ज है और कितने कर्तव्य हैं। इसके हरगिज मायने नहीं है कि प्रभु यीशु कर्तव्य विमुख होकर के महिमा के जगत को प्राप्त करना चाह प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पर सच्चाई यही है, प्रभु यीशु ने मरियम से कहा, हे नारी देख तेरा ये पुत्र है। और उससे कहा, चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। प्रभु हम पूरा जीवन भर, संपूर्ण जीवन भर, पूर्ण आयुष्य भर हम अपने फर्ज और कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन महिमा और महिमा के जगत को पाले ना, इतनी सोच हमारी कहां? हमने कभी इतना सोचा ही नहीं। सालों की तरह बीते, कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी आप इस गुड फ्राइडे में आए होंगे, प्रभु के वचन में सहमलित होंगे, शामिल हुए होंगे, परंतु सच्चाई यही है इतने सालों में कभी आपके अंदर ये बात ना जागी होगी कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे अंदर महिमा के जगत को प्राप्त करने की, महिमा के जगत में प्रवेश करने की इतनी सी भी चाह नहीं है।
इतनी सी भी भूख नहीं है। प्रभु यीशु निर्दयी नहीं है, प्रभु यीशु अपूर्ण प्रेम से नहीं भरे, प्रभु यीशु पूर्ण प्रेम से भरे हैं। प्रेम का बहता झरना है वो। फिर भी एक समय है, एक विशेष समय होता है, एक विशेष समय है कि जब आपको कर्तव्य से हटकर महिमा के जगत को पाना होता है, महिमा के जगत में प्रवेश करना होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने दिया यह संसार में मिला मौका है हमें, प्रभु ने दिया संसार में यह मौका मिला है हमें महिमा के जगत में प्रवेश करने का। कब तक रूढ़ी परंपराओं के अनुसार शब्दों को दोहराओगे, महिमा को ना समझोगे? कई बार आपने शब्दों को सुना, खुदा के खादिमों ने, पासबानों ने कई बार इन शब्दों को दोहराया, आपके कानों में कई बार ये शब्द पड़े हैं, केवल शब्द ही पड़े हैं, महिमा कभी उतरी ना होगी। यदि आज इस वर्ष इस 2020 में यदि आप सचमुच चाहते हैं महिमा के जगत को प्राप्त कर लेना, तो परमेश्वर ने इस संसार में दिया बड़ा मौका है हमें। कर्तव्य से विमुख तो ना हो, कर्तव्य की जिम्मेदारी रखो, लेकिन महिमा जो श्रेष्ठ जगत है, महिमा जो हर एक परमेश्वर की संतान को, हर एक मनुष्य को पा लेना बहुत जरूरी है, उसे पाना ही होगा। तुम तो एक तरफा जिंदगी जी रहे हो, तुम तो अर्धांग जीवन जी रहे हो, तुम एक तरफा की जिंदगी बिता रहे हो। केवल इस संसार का फर्ज, परिवार का फर्ज, इस दुनिया में हमारे जीवन जीने के लिए निभाने वाले कर्तव्य, एक ही अंग अर्धांग जी रहे हो तुम, ये जीवन अधूरा है, ये जीवन पूरा के पूरा अधूरा है, जब तक कि आप महिमा के जगत को ना पालो। ये उतना ही जरूरी है, बल्कि इस संसार के कर्तव्य से बढ़कर ज्यादा जरूरी है कि आप महिमा को पाओ, महिमा के जगत को पाओ, महिमा के जगत में आप प्रवेश करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर ने दिया मौका है हमें। इस संसार में अपना स्वर्ग निर्मित करो, इस संसार में महिमा को पा करके अपने स्वर्ग में तुम प्रवेश करो। संसार में मिला मौका हाथ से जाने ना दो, न जाने कल ये मौका आए ना आए, न जाने कल ये मौका हमारे पास हो ना हो, या हो सकता है आने वाले समय में मौका तो होगा पर शायद हम ना होंगे। इसलिए आज ये अधूरा जीवन जीना छोड़ो, ये अर्धांग जीवन जीना छोड़ो, महिमा के जगत को प्राप्त करो। कब तक? इस संसार का फर्ज, इस संसार के फर्ज फर्ज नहीं है, ये तो हुज्जत है जीने की, ये तो झंझावात है इस संसार का, ये तो झंझट है इस संसार का। तुम समझते हो कि संसार में हम अपना फर्ज अता कर रहे हैं? अगर तुम अपने संसार में इस फर्ज को अता कर रहे हो, तो तुम भूल गए हो कि तुम्हें महिमा को पाना जरूरी है। बिना महिमा के जीवन चल नहीं सकता, बिना महिमा के मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता, बिना महिमा के तुम मुक्ति द्वार तक पहुंच ही नहीं सकते, बिना महिमा के रास्ता नहीं है। महिमा को तो पाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आजाद जीवन जीना चाहते हो या इस संसार के उलझनों में उलझे रहने चाहते हो, ये तुम्हारी बात है, तुम जानो। सोचना तो पड़ेगा, सोचना होगा। इस संसार के झंझावात, इस संसार के उलझनों में उलझ के ही जीना चाहते हो या आजाद जीवन जीना चाहते हो, या आजाद स्वतंत्र होके जीना चाहते हो? तुम क्या निर्मित करना चाहते हो?
तुम क्या बनाना चाहते हो, इस भूमि पे तुम क्या लिखना चाहते हो, इस संसार में तुम जो लिखोगे वही लिखा जाएगा, इस संसार में तुम जो निर्मित करोगे वही निर्माण होगा, इस संसार में तुम जो बनाओगे वही उभर के आएगा। महिमा में आजाद जिंदगी जीना चाहते हो या फिर इसी संसार के उलझनों में, इसी संसार के झंझट में जीना चाहते हो? मैं नहीं कहता रिश्ते झंझट है, मैं नहीं कहता फर्ज और कर्तव्य यूं ही छोड़ दो। मेरा कहना तुमसे यह है, अधूरा जीवन मत जियो, अधूरा अपंग जीवन ना जियो, अर्धांग जीवन मत जियो, पूरा जीवन जियो। ये जीवन परमेश्वर ने पूरा पूरा जीने के लिए दिया है। इसमें महिमा का जगत भी है और इस संसार भी है। तुमने बस एक तरफा जीवन जीने का हुनर पा लिया, वो भी अधूरा। उस संसार में जीने का हुनर भी तुम्हारे पास अधूरा है। महिमा का तो हुनर से तुम अभी तक अभिज्ञ हो, अनजान हो। जो लिखोगे भूमि पर वो लिखा जाएगा। लिखना जो चाहो लिखो, जो निर्मित करना चाहो वही निर्माण होगा। मर्जी है आपकी, आजादी है तुम्हारी। जो निर्माण करना चाहो वही निर्मित होगा, और जो निर्मित करना चाहो वही निर्माण होगा। जो बनाना चाहो वही उभर के आएगा, जो उभारना चाहते हो उभार लो। जिंदगी आपकी है, परमेश्वर ने आजादी दी है। सबसे बड़ी महिमा की बात तो यह है, हमें स्वतंत्र किया है। इस जीवन की महिमा ही तो यह है, इस जीवन की सबसे बड़ी महात्म्य की बात ही तो यह है कि इस जीवन को उस परमेश्वर ने आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये हमारी स्वतंत्रता है। जैसे तुम मर्जी जियो, फैसले आपके हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे नारी देख तेरा ये पुत्र, और चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। इस जीवन की स्वतंत्रता को तुम कैसे कर देखते हो? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, 8:6-8 में लिखा है, प्रभु यीशु जमीन पे बैठ करके कुछ लिखने लगा, और फिर लोग देखने लगे क्या लिखता है ये। फिर दोबारा प्रभु यीशु फिर से लिखने लगा। उसके बाद प्रभु यीशु ने उन लोगों से कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। उस पापी स्त्री को पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। जो लिखना चाहो वो लिखा जाएगा, वही उभर के आएगा, वही निर्माण होगा। आजादी तुम्हारी है, स्वतंत्रता तुम्हारी है। अधूरा जीवन मत जियो। महिमा के जगत को प्राप्त करना है, महिमा के जगत को हासिल करना है, महिमा को प्राप्त करना है। फर्ज और कर्तव्य को आड़ में तुम कब तक छुपते रहोगे? अपनी परछाई में कभी कोई छुपा है भला? अपनी परछाई में कोई छुप सकता है क्या? कभी नहीं। अपनी परछाई में छुपना मूर्खों की बात है, या हवा को मुट्ठी में कैद कर लेना, ये मूर्खों के विचार हैं जो कभी हो नहीं सकता। इस आजादी को देखो, तुम कैसे इस आजादी का पूर्ण लाभ उठाते हो, इस आजादी का तुम कैसे अपने जीवन में लाभ उठा करके महिमा को प्राप्त करते हो। लिख लो, ये सृष्टि तुम्हारी है, ये जमीन तुम्हारी है, ये संसार तुम्हारा है। जो लिखना चाहो लिखो, तुम जो लिखोगे वही लिखा जाएगा,
तुमने जो लिखा है वही, तुमने जो बनाया है वही उभर के आएगा। तुम जो निर्मित करोगे वही निर्माण होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महिमा के जगत को पाना चाहते हो या संसार में उलझे रहना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह ने इस महिमा को प्राप्त करने की जो गुप्त रहस्य में 7 बातें बताई हैं। पहली बात, बिना क्षमा के जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। अधिकार के बिना तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता। और तीसरे शब्दों में, संसार की उलझनों में उलझे रहोगे, महिमा के जगत को तुम कभी हासिल ही ना कर पाओगे। इस बात को समझ लो, अगर इस संसार का रिश्ता अगर भविष्य बना सकता, ये तो हमारे जिंदगी में बड़ी लानत होती। इस संसार का कोई भी रिश्ता तुम्हारा भाग्य भविष्य नहीं बना सकता। कितने मां बाप हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने की बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। या तो तुम अयोग्य ठहर जाते हो, तुम्हारा बल कम हो जाता है, या तुम्हारी संतान वहां तक नहीं पहुंच पाती। कोई मनुष्य किसी का भविष्य नहीं बना सकता, इसलिए महिमा के जगत को पाना होगा। प्रभु यीशु जानते हैं इस संसार में स्त्री को मैं अपनी मां कह के इसके साथ बेटा बन के भी रह गया तो भी ये महिमा ना पा सकेगी। मुझे तो इसको महिमा दिलानी है, महिमा हासिल करनी है। कि कोई मनुष्य किसी का भविष्य नहीं बना सकता, कोई मनुष्य किसी के भाग्य को नहीं बना सकता, हो नहीं सकता, मुश्किल है। यदि आप जीवन में केवल सोचते हो कि हम अपने फर्ज अदा कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपने संसार में किए जाने वाले कर्तव्य को निभाने में पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, तो ये एक बड़ी धोखादायक घटना होगी। ये जीवन को एक दिन दुर्घटनाग्रस्त कर देगी, क्योंकि इस जीवन में कोई महिमा नहीं है। इसलिए तुम्हारा जीवन कष्ट और कष्ट और कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रभु समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा, हे नारी देख तेरा ये पुत्र है, और हे पुत्र देख तेरी ये माता है, ताकि जीवन की धारा बहे, महिमा की धारा बहे, महिमा प्रकट हो। अगर प्रभु यीशु ऐसा ना करते तो जीवन की धारा बहती कैसे? इसमें लोग गोते लगाते कैसे? जीवन की धारा में तो गोते लगाना है। अगर जीवन की धारा ना बही तो रिश्तों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। और यही कारण है हम रिश्तों को निभाते 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 जीवन यूं ही हमारा समाप्त हो जाता है, पर जीवन की धारा कभी ना बह पाती। सबूत के तौर पे आप अपने जीवन को देखो, अपने आस पड़ोस के समग्र संसार को देखो, उन बूढ़े लोगों को देखो। बुढ़ापे में उन बूढ़े लोगों की एक ही इच्छा होती है कि बस हमारे बच्चे हमसे बात करें, हमारे बच्चे हमसे प्रेम करें, हमारे बच्चे बस हमें थोड़ा सा प्रेम दे दें। आज दुर्लभ हो गया है। महिमा की धारा, जीवन की धारा न बहे तो जीवन का क्या मोल? हम तो बस रीति रिवाजों के समान आज तक इन्हीं बातों को सोचते आए हैं, इन्हीं बातों का बखान करते आए हैं। लेकिन अब प्रभु यीशु का आगमन, प्रभु यीशु का समय निकट है। अब हमें शब्दों को नहीं, समझ को पाना होगा, अनुभव के साथ पाना होगा। तुम्हारी समझ खुलनी चाहिए। कर्तव्य से हटकर महिमा के जगत में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना पुनरुत्थान मुमकिन नहीं है, वरना पुनरुत्थान मुमकिन ही नहीं है।
यदि महिमा के जगत को ना पाओ तो पुनरुत्थान मुमकिन नहीं है। तुमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर ये विश्वास है तो तुम्हें यह समझना होगा कि पुनरुत्थान बिना जीवन की धारा बहे पुनरुत्थान नहीं हो सकता। महिमा के जगत को पाए बिना पुनरुत्थान पैदा नहीं हो सकता। परमेश्वर का धन्यवाद, आत्मा का जन्म कभी ना हो पाएगा। आत्माएं यूं ही थोड़ी जन्म लेती है। जब तक कोई आत्मा महिमा के जगत में प्रवेश ना कर ले वो जन्म नहीं पाती है। किसी आत्मा को महिमा जब तक प्राप्त नहीं होती कोई आत्मा जन्म नहीं लेती, कोई आत्मा पैदा नहीं होती है। पुनरुत्थान कैसे होगा? पुनरुत्थान दुर्लभ बात है बिना महिमा के। न जाने तुम्हारे विचार क्या होंगे इस वचन के विषय। तुम्हारे विचार चाहे जो भी हो प्रियो, पर आज अपनी समझ को खोलना होगा, इस बात को समझना होगा कब तक निभाते रहोगे इस संसार के कर्तव्य को। निभाओ, जिम्मेदारी है, लेकिन उस महिमा का क्या जिसके बगैर ना तुम्हारा पुनरुत्थान है, जिसके बिना ना जीवन की धारा बहेगी, जिसके बिना ना जीवन प्रकट होगा, ना पुनरुत्थान प्राप्त होगा, ना कोई आत्मा पैदा होगी। आत्माओं का पैदा होना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है बिना महिमा के। अगर महिमा ही प्राप्त नहीं है तो कोई आत्मा जन्म नहीं लेगी। कैसे जन्म लेगी बिना महिमा के जीवन के? जो आत्माएं महिमा का देह पा लेती वही तो जन्म लेती है। तुम तो इस संसार में, तुम्हारा तो अंजाम भी तुम्हें नहीं पता। आज हमारा अंजाम हमें पता नहीं है क्या है, हम तो बस चले जा रहे हैं। न जाने मंजिल कहाँ है, पता नहीं जाना कहाँ है, गंतव्य क्या है, पहुंचना कहाँ है ये भी पता नहीं है। बस बेहवास से, बदहवास से चले जा रहे हैं। प्रियो, महिमा को पाना होगा। प्रभु यीशु ने कर्तव्य के जगत से हट करके महिमा के जगत को प्राप्त कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुख और पीड़ा उठाई सलीबी मौत से ही, क्योंकि बिना दुख और पीड़ाओं के आत्माएं पैदा नहीं होती, पुनरुत्थान नहीं होता। तुम्हें जो लगता है ये दुख है, ये कष्ट है, ये पीड़ा है, प्रभु यीशु ने इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया, इतना पीड़ा उठाया, प्रभु यीशु ने तो उफ तक शिकायत नहीं की। कारण क्या है? वो महिमामय प्रभु जानता है इन दुख और पीड़ा, इन कष्टों के बिना, इस महिमा के बिना आत्माएं पैदा नहीं होंगी, पुनरुत्थान पैदा नहीं होगा, पुनरुत्थान भी नहीं होगा, पुनरुत्थानित लोग भी पैदा ना होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बाइबल तो कहती है यही कारण था प्रभु यीशु ने जब कहा एली एली लामा शबक्तनी, तो लोग कह रहे हैं ये किसी पुराने भविष्यवक्ता को बुला रहा है, क्योंकि ये भी उन्हीं में से कोई है। उनकी समझ में भी प्रभु यीशु नहीं, कोई पुराना भविष्यवक्ता पुनरुत्थान होके आया है, नई महिमा के साथ पुनः जन्म लेके आया। उनकी सोच में तो यही था। बाज बात बहुत सही भी लगती है, बिना पीड़ा के, बिना दुख के नई आत्मा पैदा नहीं होती। बिना महिमा के कोई आत्मा जन्म नहीं लेती। बिना महिमा पाए पुनरुत्थान मुमकिन है ही नहीं प्रियो। इसलिए फर्ज की आड़ में कब तक छुपोगे? निकल कर आना होगा। तुम्हारी यही तो गलती है। बागे अदन में आदम हवा जैसे तुम भी छुप गए। वो तो तुम्हें हाक दे रहा है, वो तो तुम्हें आवाज दे रहा है और तुम छुप रहे हो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने हमारे हाड़ और मांस को बचाने के लिए उस फसा के पर्व के दिन अपनी देह रोटी के समान और अपना लहू दाखरस के समान दे ही दिया था। अब बचा क्या फिर? तुम्हारी रूह, हमारी रूह, हमारी आत्मा, हड्डी और मांस को, देह को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और अपना लहू तो दे ही दिया था, अब आत्मा को भी तो बचाना था। तो स्वाभाविक था प्रभु यीशु का मरियम को अपने शिष्य के हाथ में माता समान और शिष्य को मरियम के साथ पुत्र समान देना जरूरी था। अगर ऐसा ना करते तो महिमा के जगत में कैसे प्रवेश कर पाते और हमारी आत्माओं के लिए उद्धार का द्वार कैसे खुलता? हाड़ और मांस के लिए प्रभु ने अपनी देह लहू और तो दे ही दिया था, पर हमारी आत्मा का क्या होता? लाजमी था, और यही कारण था कि अब महिमा के जगत में कर्तव्य भी पूरा हो गया, अब महिमा के जगत में प्रवेश करना था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारी आत्मा को स्वतंत्र करना था, हमारी आत्मा को स्वतंत्र करना था। हाड़ और मांस के लिए अपनी देह लहू तो दे दिया, अब स्वतंत्र करना था हमारी आत्मा को। तो लाजमी था आत्मा की बात तो आत्मा से ही होगी, आत्मा का छुटकारा तो आत्मा से ही होगा। अगर परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के ही द्वारा अनंत जीवन की कट्टी काटेगा, तो स्वाभाविक है आत्माओं को बचाने के लिए आत्मा का बीज तो बोना था। परमेश्वर का धन्यवाद। महिमा के जगत में प्रवेश तो करना ही था, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस पृथ्वी के ऊपर तुम जो लिखोगे, इस भूमि पर तुम जो लिखोगे वही लिखा जाएगा, तुम जो बनाओगे वही उभर कर आएगा, और तुम जो निर्मित करोगे वही निर्माण होगा। इसलिए लाजमी था अपने शिष्य के हाथ में मरियम को सौंप देना। परमेश्वर का धन्यवाद। लूका की इंजील 10वां अध्याय 38 वचन से 42 वचन आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, दो बहनें थी मरियम और मार्था नाम की। प्रभु यीशु जब उनसे मिलने आते थे, मरियम नाम की स्त्री प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाती थी। उसने अपना स्वर्ग प्रभु यीशु के चरणों में निर्मित कर रखा था, इसलिए वो नियमित प्रभु यीशु के चरणों में बैठती थी, और मार्था अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी। व्यस्त जीवन है, कर्तव्य से बंधा हुआ जीवन है, जिम्मेदारी संसार की निभाए जा रहे हैं। ये भी स्त्री का नाम मरियम ही है। ये कहां बैठी है? ये महिमा के जगत के पास है, ये महिमा के जगत में प्रवेश करना चाहती है, प्रभु यीशु के चरणों में बैठी है। फैसला तो तुम्हारा है, आजादी हमारी है, तुम जो करना चाहो करो, तुम जो निर्मित करना चाहो निर्मित करो, तुम जो बनाना चाहो बनाओ, वो उभर के आएगा, तुम जो इस भूमि पे लिखना चाहो वही पढ़ा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुश्किल है इस संसार के फर्ज और कर्तव्य से निकलना, क्योंकि तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। यदि इस संसार से निकलने का प्रयास करते तो पता चलता कि इसमें से निकलना आसान भी है। आए बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, तुम तो बोझ लेकर अपना उठाए उठाए फिर रहे हो। कभी बोझ उस पे डाल के तो देखे, कभी बोझ उस पे डाल के तो देखा होता, महिमा का जगत प्रकट हो जाता। इस मरियम ने भी प्रभु यीशु के चरणों में अपने महिमा के जगत को पा लिया, प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रहती थी,
और मार्था जो अपने फर्ज और कर्तव्य से बंधी हुई थी, वो सदैव कुड़कुड़ाती रहती थी प्रभु यीशु के पास। कई बार आके उसने शिकायत की कि हे रब्बी, देख मैं तो घर का सारा काम काज कर रही हूं और ये तेरे चरणों में व्यर्थ बैठी है। प्रभु यीशु ने कहा, यह व्यर्थ नहीं है, उसने उत्तम भाग को पा लिया है, उसने उत्तम भाग चुना है। इस बात को ध्यान से सुन लेना, जो महिमा को पाने के लिए, महिमा के जगत में प्रवेश करने के लिए, जिसकी आत्मा स्वच्छंद है, ऐसे लोगों ने बड़ा भाग चुन लिया है, ऐसे लोगों ने बड़ा भाग चुन लिया है। इस वचन के अंदर एक रहस्यमय बात यही है जो तुम सुन रहे हो। उस महिमा को पाना है, उस पुनरुत्थान को पाना है, उस जीवन को पाना है, तो कर्तव्य से हटकर महिमा के जगत में भी प्रवेश करना होगा, करना ही होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा पाना आसान नहीं है। यदि तुमने कभी पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा हो तो वहां पे लिखा है स्वर्ग में रिश्ते नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, स्वर्ग में रिश्ते नहीं होते। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि हमारे प्रियजन जो हमसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, जब हम भी जाएंगे क्या वो हमें पहचानेंगे? आपका भी मन का सवाल होगा ये कि क्या आपका प्रियजन जो इस संसार से मृत्युमुखी होके उर्दू लोक ही चला गया है, क्या न्याय के दिन हम एक दूसरे को पहचानेंगे? अगर पहचान भी लोगे तो होगा क्या? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है स्वर्ग में रिश्ते नहीं होते। मत्ती की इंजील 22:30 में आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है स्वर्ग में मनुष्य समान रिश्ते नहीं होते, वहां पे तो सब के सब स्वर्गदूतों के समान होते। महिमा पाया हुआ देह, महिमा पाया हुआ स्वरूप, महिमा पाया हुआ जीवन, बदला हुआ सब कुछ, रिश्ते नहीं होते प्रिय। तभी तो मैंने कहा, अगर तुमको इस संसार में अगर भरोसा है कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो कोई हमारे लिए कुछ करेगा, चलो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि तुमने किसी के लिए कुछ किया तो कोई बदले में तुम्हारे लिए भी कोई भलाई कर दे, पर वो भलाई तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती, वो तुमको महिमा के जगत और महिमा तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए क्योंकि परमेश्वर भला है, इस संसार में कोई भला नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर भला है, उससे बड़ी भलाई किसी और के पास नहीं है। तुम किस भलाई की उम्मीद कर रहे हो इंसानों से कि हमने किया तो शायद कोई हमारे साथ भी भलाई कर दे? अगर ये भलाई संसार में पाई जाती तो आज संसार कुछ से कुछ हो गया होता। हाँ, ये भलाई पाई जाती है संसार में, लेकिन केवल उन चुनिंदा लोगों में जो परमेश्वर के डर और भय में जीते हैं। वो भलाई करते हैं लेकिन उनकी अपेक्षा तुमसे भलाई की नहीं है। वो भलाई करते हैं लेकिन इस उम्मीद से नहीं, वो तुमसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते कि परमेश्वर भला है। इसलिए महिमा के जगत में प्रवेश करते हैं, अपनी भलाई को अपने खुदावंद खुदा से, अपने बादशाह से, अपने राजा से, अपने परवरदिगार से, अपने सब कुछ से, अपने उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसको हाक देते हैं, पुकारते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हे नारी, देख तेरा ये पुत्र, और हे पुत्र देख तेरी ये माता। महिमा के जगत पे प्रवेश करना है। प्रभु यीशु प्रेम से भरा झरना है बहता हुआ, उसका हर एक घाव जो रिझता हुआ है उसमें से प्रेम ही तो बह रहा है, लहू का हर एक कतरा प्रेम ही तो है। प्रभु यीशु अपने कर्तव्य से अलग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो,
हम तो यहाँ पे मदर डे मनाए जा रहे हैं, हम तो यहाँ फादर डे मनाए जा रहे हैं, हम तो यहाँ ब्रदर्स डे, सिस्टर डे, ना जाने कितने डे, कितने कौन से दिन मना रहे हैं, पर कभी जीवन में तुम्हारे उजाला हुआ क्या? कभी कोई ऐसी पौ फटी क्या? मनाओ, इसलिए तो मैंने कह दिया, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो यहाँ पे लिखोगे वही तो पढ़ा जाएगा, तुम जो बनाओगे वही उभर के आएगा, तुम जो निर्मित करोगे वही तो निर्माण होगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे चाहे आप जो मर्जी दिन मना लो, जो मर्जी तुम दिन मना लो, मेरी तो सोच ये है आज भी दिन का उजाला है, पर फिर भी आज हाथ में लालटेन लेके चलने की अवस्था हमारी है, क्योंकि दिन तो है लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता, हमारे पथ हमारे नजर से ओझल हो चुके हैं। इस वचन के जरिए से प्रभु चाहता है कि तुम्हारी आत्मा महिमा पाए। ये तीसरी पादान है, ये तीसरे शब्द के अंदर वो रहस्य है जिससे आत्मा उस ऊर्ध्वलोकी उस महिमा में, महिमामय जगत में प्रवेश करने के लिए प्रवास शुरू करती है। ये सात शब्द कोई कहानी, कोई मजमे के बीच में कहीं भी बात नहीं है, कोई इतिहास की घटना नहीं है, ये आज भी आत्माओं के लिए जीवंत मार्ग है, जिंदा रास्ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लूका की इंजील उसका 18 अध्याय 29 28 29 30 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है, परंतु पत्रस ने कहा, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय की गुणा कहीं अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। प्रियो, जिन्होंने इन सब को छोड़ भी दिया है ना, वचन में लिखा है इस समय के गुणा वो कई अधिक महिमा पाएंगे और अनंत जीवन भी पाएंगे, क्योंकि महिमा के जगत को प्राप्त कर लिया। मैं नहीं कहता तुम अपने संसार की जिम्मेदारियां, अपने फर्ज और कर्तव्य छोड़कर भागो ना, लेकिन जिन्होंने इनको पूरा कर दिया और जो महिमा के प्रवास पे निकल गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूं जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन बाल बच्चों पत्नी को भी यदि छोड़ के आ गया है महिमा के जगत को, तो इस युग के लोगों से कहीं गुना अधिक उन्होंने पाया है, इस युग के लोगों से कहीं गुना बढ़कर अनंत जीवन पाया है। इसलिए प्रियो, हे नारी देख तेरा ये पुत्र, और हे मेरे शिष्य देख ये तेरी माता है, महिमा के जगत को प्राप्त कर लेना। यदि आपने महिमा के जगत को ना पाया, ये तीसरी सीढ़ी है, जब आपकी आत्मा महिमा के जगत को पा लेगी, ये पुनरुत्थान की तीसरी पादान है, इसी मार्ग से आगे बढ़ते जाना है। ये तो स्वर्ग का मार्ग है, ये तो पुनरुत्थान का मार्ग है, ये तो अनंत जीवन का मार्ग है, ये तो अगाध नित्यता में जाने का मार्ग है। केवल नित्यता नहीं, अगाध नित्यता, अगाध नित्यता में प्रवेश करने का मार्ग है। इसलिए ये तीसरा कथन कथन नहीं है, ये रास्ता है, ये तीसरा कदम है। यदि आज हम उठा लें, परमेश्वर भला है, इस संसार के ऊपर किसके ऊपर अपनी उम्मीद रखोगे? तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हारे तुम्हें मरते समय तुम्हारी चीता को अग्नि दे दे, या तुम्हारे कब्र में जाने से पहले मिट्टी एक मुट्ठी मिट्टी डाल दे, या तुम्हारे मुंह में एक बूंद पानी डाल दे, तुम छुटकारा पा लोगे? तुम्हारे बच्चे यदि कर भी लें तो छुटकारा तो प्रभु यीशु के द्वारा ही है। अगर मनुष्य किसी के लिए कुछ कर सकता
तो आज परमेश्वर की जरूरत नहीं होती। प्रभु यो सच्चाई यही है, महिमा के जगत में प्रवेश करना है, महिमा के जगत को पाना है। इस वचन का, इस परमेश्वर के वचन का रहस्यमय भेद यह है कि महिमा के जगत को प्राप्त करो। उस मरियम जैसे जो प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रही, उस पापिन स्त्री जैसे जो प्रभु यीशु के चरणों में बैठ करके अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो दिया, अपने बालों से पोछा, उस महिमा को पाना होगा, महिमा के जगत में प्रवेश करना होगा। और इस महिमा के जगत में प्रवेश करे बिना पुनरुत्थान नहीं है। इस महिमा के जगत में प्रवेश किए बिना अनंत जीवन नहीं है। परमेश्वर आपके साथ हो, प्रभु तुम्हारे आत्मा की आंखें खोले, तो प्रभु तुम्हारे मन की आंखों को खोले, तुम्हारे मन की पलकें जो बहुत भारी हैं खुलने को तैयार नहीं है, उस ज्योति में आने को तैयार नहीं है। तुम्हारी इस भारी पलकों को तुम्हें उठाना होगा, तुम्हारे मन की आंखें भी खोलनी होगी। जिस दिन मन की आंखें खुल जाए, तुम्हारी आत्मा की आंखें खुल जाए, उस दिन तो तुम वो देखोगे जो इससे पहले कभी दिखाई ना दिया हो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु यीशु ने तीसरे कथन में कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और शिष्य से कहा देख तेरी ये माता है। अब तुझे वो निभाना है जिस रास्ते से मैं आया हूं, जो तूने मुझे देखकर सीखा है यही रास्ता है। एक समय आएगा तू भी इस कर्तव्य से हटके महिमा के जगत को प्राप्त कर लेगा। इसी मार्ग से आना है, यही वो मार्ग है, इसी मार्ग में बढ़ो। इसलिए परमेश्वर का वचन है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर धन्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के इस चौथे कथन में आगे बढ़ते हुए एक रहस्यमय बात को हम देखेंगे। हमारी आत्मा पुनरुत्थान और जीवन कैसे पाए, हमारी आत्मा आगे सफर कैसे करे, जिसे आप और तमाम लोग हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर से कहे हुए 7 कथन हैं। हाँ, क्रूस पर ही से कहे थे, परंतु ये आत्मा का प्रवास है। आत्मा का प्रवास जब आगे की तरफ बढ़ता है तो आत्मा को कैसे कैसे अनुभव आते हैं, और इसीलिए इस चौथे कथन में आप देखते हैं कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आत्मा के आवेग में धीमापन था। इस चौथे कथन में जो मरकुस की इंजील उसका 15 अध्याय और 33 और 34 वचन यदि हम पढ़ें तो यहां पे लिखा है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी। इसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस शब्द का मुकम्मल अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यदि इस कथन को मैं आपको थियोलॉजिकली बताऊं या माइथोलॉजिकली बताऊं तो इसके अर्थ बहुत भिन्न हो जाएंगे। इसके अर्थ में यह भी हो सकता है, अगर हम बाइबल शास्त्र के ज्ञान के अनुसार देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था, प्रभु यीशु हमारे पाप के नीचे दब गया था, इसीलिए वो पिता को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि स्वर्गीय पिता पवित्र है, वो अपवित्रता को नहीं देख पाता। पापियों से तो वो मोहब्बत करता है पर पाप से घृणा करता है, इसलिए प्रभु पिता ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया। हम ये भी कह सकते हैं, ये थियोलॉजिकल नॉलेज हो सकता है,
शब्दों के आधार पर और मन के आधार पर यह कह सकते हैं कि पिता ने क्या सचमुच प्रभु यीशु को छोड़ दिया था, क्योंकि वह हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य बन गया, पाप में दब गया, इसलिए पिता ने सचमुच छोड़ दिया होगा। यह हमारी मानसिकता सोच सकती है। इससे ऊपर एक समझ है, प्रभु यीशु के चौथे कथन में हमारे आत्माओं के सफर में आत्मा जब चौथी पादान पे पहुंचती है तो उन आत्माओं को किस चीज का अनुभव होता है, ये अनुभव है और ये अनुभव पाया लोग ही आपको बता सकते हैं। आप स्वयं जब इस जिस दिन जिस पल इस अनुभव में जाओगे, आप भी इस अनुभव को यूं ही पाओगे। इस अनुभव में प्रभु यीशु की आत्मा धीमी हो गई, उसका आवेग धीमा हो गया। प्रभु यीशु ने तीसरे पहर जब दिन में अंधेरा हो गया, प्रभु यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर अगर शब्दों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो हम ये भी माइथोलॉजिकली और थियोलॉजिकली कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ने ही अपने ईश्वर होने के ईश्वरत्व को छोड़ दिया और पिता को परमेश्वर कहा। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु यीशु ने पिता को परमेश्वर क्यों कहा। इसका जवाब ये भी हो सकता है, प्रभु यीशु ने ईश्वर होकर के भी अपने ईश्वरत्व को छोड़ दिया। वचन अनुसार ये बात भी सही है, दुरुस्त है, लेकिन यदि हम समझ की बात की ओर बढ़ें तो यहां पे एक समझ एक भेद को खोलती है। वचन में लिखा है लूका की इंजील उसका 22 अध्याय और 42 वचन यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु का मन व्याकुल हो चुका था, वो घुटने टेक कर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था, घुटने टेक कर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था, हे पिता यदि तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। वचन में लिखा है वो अधिक वेदना से पीड़ित था, उसकी वेदना हार्दिक वेदना थी। कैसी हार्दिक वेदना? पूरी गहराई की वेदना थी, हार्दिक वेदना थी, हृदय के गहराई के भीतर की वेदना थी। कहते हैं कि हे पिता तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। किसी की आत्मा जब इतनी व्याकुल हो जाए, हार्दिक वेदना अगर उसके भीतर हो तो स्वाभाविक है बहुत सारे विचारों का मन और बुद्धि और आत्मा में उगम होता है। यहां पे मन और बुद्धि की बात नहीं है, आत्मा के उगम की बात है। आत्मा के भीतर क्या संवेदना पैदा होती है, ये राज की बात है। अनुभव पाया लोगों का दर्शन है ये। और आत्मा इतनी व्याकुल हार्दिक वेदना से भर गई, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर कहते हैं, तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आत्मा के प्रवास में ये चौथा पादान बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विवेकहीनता की तक पहुंचा देती है। प्रभु यीशु ने घुटने टेक कर अपने पिता से प्रार्थना की। यद्यपि प्रभु यीशु समूचे जीवन में घुटने टेक कर ही प्रार्थना करते आए हैं, पर यहां पे घुटने टेकने का अर्थ है आत्मा बिल्कुल बोझल हो गई। आत्मा का बोझलपन, आत्मा में इतना बोझलपन आ जाता है, आत्मा में इतना बोझलपन आ गया कि एक समय ऐसा हुआ प्रभु यीशु को ऐसा महसूस हुआ कि पिता ने उसे छोड़ दिया है। कई बार आपके जीवन में भी आपके मन और बुद्धि आत्मा में, हमारे मन और बुद्धि आत्मा में इतना बोझलपन आ जाता है, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा विवेक, हमारी आत्मा समझ नहीं पाती क्या करना है। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु का केवल आत्मा का बोझलपन है, मन और बुद्धि विवेक बिल्कुल संतुलित
बिल्कुल दिव्यता से भरा हुआ है, बिल्कुल तैयार है। निर्णय फैसले भीतर से मौजूद हैं। इसीलिए तो कहा, फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। स्वाभाविक है, इस चौथे पादान में जब आत्मा का प्रवास शुरू होता है, हमारी आत्मा जब आगे की तरफ प्रवास करती है, तो चौथे अनुभव में एक ही बहुत ही धीमा सा अनुभव आता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब समझ की बात यह है, जब आपकी आत्मा बलवान हो जाएगी, आज हम इस बात को रूह में समझ सकते हैं। सच्चाई यही है, पिता ने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ दिया था। ध्यान से सुनिए, पिता ने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ दिया। हालेलुया। बल्कि सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ दिया था। पिता ने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया है। ऐसे ही अनुग्रह आज हमारे साथ है। आज भी आपको लगता होगा कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी नहीं सुनते हैं, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया। यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव है, तो छोड़ दो। सच्चाई यही है, प्रभु यीशु ने आपको नहीं छोड़ा, बल्कि प्रभु यीशु ने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है, आजाद किया है मेरी रूह को। स्वतंत्र हैं हम अपने फैसलों के लिए। पिता ने सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, उसका लहू पसीने के समान लाल होके भूमि पर टपकने लगा। उसका लहू पसीने के समान भूमि पर लाल होके टपकने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पे अपनी मर्जी को हटाना होगा, हमें अपनी मर्जी को हटाना होगा, हमें अपने आप को भी हटाना होगा, और पिता की मर्जी को पूरी होने देना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु हे पिता, तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमें भी अपनी मर्जी को हटाना होगा, अपने मैं को, अपनी खुदी को हटाना होगा, और अपने पिता की मर्जी को पूरा करना होगा। तब आप ये जान जाओगे कि पिता ने आपको नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ इस संसार को तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया है। परमेश्वर ने आदम जात को तो बड़ी बरकत बख्शी है, बोला फूलो फलो, सारे पृथ्वी में फैल जाओ, इस सृष्टि को अपने वश में कर लो। इतनी बड़ी आजादी इस आदम जात को खुदा ने दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तुम्हें ये लगता है कि पिता ने तुम्हें छोड़ दिया ना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया। भलाई और बुराई हमारे हाथ में है, चुनना है जो चुन लो। पिता ने सब कुछ हमें हमारे हाथ में छोड़ दिया है, स्वतंत्र किया है उस पिता ने हमें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर कांटों का ताज रखा है, अगर कांटे चुभ रहे हैं तो चुभने दो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। अगर हर दिक वेदना है, जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, वो हर दिक वेदना से भरा है, अगर ये हर दिक वेदना भी है, तो इस वेदना को होने दो। इसका मतलब यह है, परमेश्वर तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा की आग सुलगाने वाला है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की आग सुलगने वाली है, तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा की आग लगने वाली है। उनसे पूछो जिनको कभी बिच्छू ने काटा होगा, जिन लोगों जो लोग इस अनुभव से गए हैं, अगर बिच्छू डंक मार दे तो पूरे शरीर में मानो आग लग जाती है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, शरीर में आग लग जाती है। प्रभु यीशु के सर पे कांटों का ताज रखा, हर दिक वेदना है, लेकिन ये आग किसी बिच्छू की नहीं है, इसमें पिता की छुपी हुई भलाई है। वो चाहता है तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की आग सुलगा देना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की आग सुलगे, तो हटा दो खुद को
हट जाओ खुद, होने दो पिता की मर्जी पूरी। उसकी मर्जी में छुपी हुई भलाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आग के भट्टे के समान हो जाओ। तुम्हारा जीवन पवित्र आत्मा की आग से भरा हो, तुम्हारा जीवन पवित्र आत्मा की आग से भरा, धधकते हुए भट्टे के समान हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज उसने हमें नहीं छोड़ा है, बल्कि सब कुछ हम पर छोड़ा है। यदि आप इस हल्की सी बात को समझ जाओ तो जीवन का द्वार खुला हुआ नजर आएगा। जीवन के हर बंद द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। उसने हमें नहीं छोड़ा, उसने कभी हमें न छोड़ा है न छोड़ेगा। उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ये उसका वादा है। ऐसी अवस्था में तो कोई भी आत्मा कमजोर सी नजर आए, ऐसी अवस्था में तो कोई भी आत्मा दुर्बल नजर आएगी। ये तो हमारी आत्माओं के रास्ते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें दिखाए कि आत्मा जब अपनी महिमा की ओर प्रस्थान करती है तो समय ऐसा भी आता है तुम्हारी रूह धीमी हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील 28 अध्याय और 18 वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, छोड़ा नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया है, सब कुछ उसी के हाथ में छोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये तो आत्मा की वेदना थी कि आत्मा जब धीमी हो जाती है तो ऐसे सफर में स्वाभाविक है ऐसा अनुभव आना। लेकिन ऐसी अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा धीमी मत होने दो। तुम्हारी आत्मा धीमी ना हो, तुम्हारी आत्मा प्रबल होती रहे, तुम्हारी आत्मा बढ़ती रहे। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का सारा और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है तो कैसे आप कह सकते हैं छोड़ दिया। सच्चाई तो समझने की बात यह है, सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ दिया। आज वो सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो सारी महिमा उसने हमारे हाथ में छोड़ दी है। इसलिए तो कहा, तुम्हारे बीच में अगर कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, कोई पापी है तो अपने पुरनियों को बुलाओ, अनुभव में प्रौढ़ व्यक्तियों को बुलाओ, वो तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा, तुम्हारे हाथ में क्या है। प्रियो, पिता ने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि समझ जाओ सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दिया है, सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ा है। वरना कभी ना कहता बीमारों के ऊपर हाथ रखो, धर्मी जन की प्रार्थना तो पापियों को पाप से भी छुड़ा देगी। अनुभव में प्रौढ़ लोग बीमारों पे हाथ रख देंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे हाथ में है। चाहे तुम दुख को सुख में बदल लो, चाहे तुम अपने सुखों को दुख का कारण बना दो, ये हमारे हाथ में है। जो तुम करना चाहो करो, ये आजादी है। पिता ने कभी हमको ना छोड़ा था, ना कभी छोड़ेगा। सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ा है। चाहे तुम दुख को सुख में बदल दो, चाहे सुख को दुख का कारण बना दो, ये तुम्हारी मर्जी है। कितना सुख है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुख है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन का सारा सुख भरा पड़ा है, सारी खुशियां भरी पड़ी है। खुशियों का मूल तो वही है, आनंद का मूल तो वही है, निर्भर तुम पे करता है। तुम चाहे दुख को सुख का कारण बनाओ या सुख को दुख का कारण बनाओ, सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें जीवन की खुशी दी है। मौत हमने पैदा करी है,
उसने सर्वदा का आनंद हमें दिया है, दुख हमने पैदा किया है। बागे अदन में सारी खुशियां हम आदम जात को दी थी, पाप हमने पैदा किया है, दुख हमने पैदा किया है, मौत हमने पैदा की है, सब कुछ हमारे हाथ में है। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज भी हम इसी बात को जहन में लेके बैठे हैं। मैंने कहा आत्मा जब धीमी हो जाए तो किसी की आत्मा भी ये बात कह सकती है, लेकिन प्रभु यीशु की बात में गहरा राज छुपा हुआ है, पिता के जवाब में गहरा राज छुपा हुआ है। सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ा, हमें नहीं छोड़ा, हमें कतई नहीं छोड़ा है। इसलिए इस संसार में दुख को सुख बना लो या सुख को दुख बना लो, बार बार कहा इसलिए कि बात जहन में उतर जाए। निर्मित करते हो तुमको जो करना है। परमेश्वर का धन्यवाद। फिलिपियो 4:4 में तो कहता है सर्वदा प्रभु में आनंद करो। पुनः कहता हूं, फिर कहता हूं, आनंद करो। रिजॉयस इन द लॉर्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिजॉयस इन द लॉर्ड, नॉट आउट ऑफ द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। प्रभु यीशु तो आत्मा का मूल है, प्रभु यीशु तो आनंद का मूल है, वो तो आनंद का स्रोत है। उसके बिना आनंद कहीं से उगम ना होगा, उसके बिना सुख कहीं से निकल के आ नहीं सकता, उसके बिना खुशियां कहीं से पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन खुशियों का, उन आनंद का, उन सुखों का मूल तो वही है, स्रोत तो वही है, जहां से वो झरना फूट के निकलता है वही तो मेरे और आपका प्रभु है। सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो। निर्मित करना चाहते हो करो, सुख को चाहे दुख में परिवर्तित कर लो, चाहे दुख को सुख में परिवर्तित कर लो। ये संसार चाहे तुम्हारे लिए स्वर्ग बना लो या ये संसार ही तुम्हारे लिए नरक का कारण बन जाए, ये तुम पर निर्भर करता है, ये हम पर निर्भर करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात को जान लो, भव्य हो जाओगे, भव्य हो जाओगे, दिव्य हो जाओगे। वही आनंद का स्रोत है, वही आनंद का मूल है, उसके बिना किसी और स्रोत से आनंद और खुशियां कभी उमड़ के नहीं आ सकती। अगर है तो बता दें आप, कोई और स्रोत है जिससे खुशियां उमड़ के आए तो बता दें आप। अगर आपको लगता है पैसा धन दौलत कोई खुशियों का मूल और स्रोत है तो पवित्र शास्त्र से बढ़कर सच्चाई और कहीं नहीं है। लिखा है सारी मुसीबतों की जड़ पैसा है, तो खुशियां तो वहां भी नहीं है। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। अपने भीतर अगर तुम्हें लगता है ना कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, यदि आपको लगता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है, तो अपने भीतर तलाश करो उसकी। आज से तलाश की शुरुआत करो, तो तलाश शुरू करो, ढूंढो उसको, खोजो उसको। बाइबल कहती है जब तक वो नहीं मिलता उसको खोजते रहो, और वो जब मिल सकता है उसको खोजना जरूरी है, तलाश जरूरी है। यदि लगता है प्रभु यीशु ने, पिता ने आपको छोड़ दिया, हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, तो तलाश तो करनी पड़ेगी। अगर सचमुच में उसके प्रति आपके अंदर मोहब्बत है तो जो तुम्हारे दिल में बसा है उसकी तलाश तो करनी पड़ेगी, उसे ढूंढना तो होगा, उसे खोजना तो होगा। अपने भीतर उसको ढूंढो, अपने भीतर ये तलाश शुरू करो, अपने आंसुओं में उसको ढूंढो, अपने आंसुओं में उसको खोजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहां है वो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो कहां है? उसकी तलाश तो करनी होगी।
अगर मेरा कुछ खो गया तो मुझे ढूंढना तो होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, व्याकुल होने से कुछ ना होगा। जीवन जल की नदी में बहना होगा, जीवन जल की धाराओं में बहना होगा, व्याकुल होने से कुछ ना होगा। प्रभु यीशु ने करके दिखाया, प्रभु यीशु व्याकुल नहीं है। बाइबल कहती है उसने हमारे सामने नमूना है कामिल रखा कि हम देख करके उसको सीखें। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वचन, ये बात प्रभु यीशु के लिए नहीं है, प्रभु यीशु ने कही बात हमारे लिए है। ये वचन हमारे लिए है, ये चिंतन का विषय है, ये समझ का विषय है, ये मनन का विषय है, ये अनुभव से जाने का विषय है। वरना एक दिन इस देह से जब हम छूटेंगे, आत्मा प्रवास करेगी, तो आत्मा के सामने ये मंजर खड़ा होने वाला है। तब जवाब में तुम्हारे पास क्या है, तलाश जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने भीतर अपने प्रेमी की तलाश करो, यकीन है एक दिन अपने प्रेमी को, अपने उस प्रेमी प्रभु यीशु को उसकी तलाश में निकलोगे और ढूंढते ढूंढते एक दिन पिता को पा ही लोगे। आमीन। उस पिता तक पहुंच ही जाओगे, पिता का मुख तुम देख पाओगे। पिता तक पहुंचने का मार्ग ही प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने कहा यदि किसी को पिता के पास जाना है तो मार्ग मैं हूं, द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई जा नहीं सकता। ये रास्ता दिखाया है प्रभु यीशु ने। वो जो कहा है वो अपने लिए नहीं कहा, हमारे लिए कहा है। हमारी आत्मा में अनुभव होगा, कभी ना कभी इस अनुभव के दौर से सबको जाना है, हर एक की आत्मा को इस दौर से जाना पड़ेगा। ढूंढो अपने प्रेमी को अपने भीतर, तलाश बाहर नहीं है, तलाश अपने भीतर है। अपने भीतर की तलाश को तेज करो, एक दिन पिता तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना में ढूंढो उस अनंत धाम को, उस अगाध नित्यता को, जिसको पा लेने के बाद कोई मंजिल कहां बच सकती है क्या। जिस दिन आपकी तलाश पूरी हो जाए उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल और बचती नहीं है, क्योंकि वही मंजिल है, वही तक, उसके आगे कुछ और नहीं है। ये बात मेरे यीशु ने, आपके प्रभु ने, हमारे प्रभु ने करके हमें दिखाई है कि एक दिन होगा हमारी आत्मा भी जब सफर पे निकलेगी, ऐसा अनुभव होगा, तुम्हें भी यही महसूस होगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। पर प्रियो, जीते जी आपसे कह रहा हूं, आपका भी जीते जी यही अनुभव बना लो। अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, उसने कभी हमें नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ दिया। प्रभु यीशु के हाथ में भी सब कुछ छोड़ दिया। आज अगर ये आजादी ना होती तो अपने गुनाहों की मौत तो हम कब के मर गए होते। लेकिन ये हमारी आत्मा को मिली हुई आजादी तो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत वर्ष बीत गए प्रियो, कई वर्ष बीत गए इस संसार के सराय में समय बिताते बिताते, आगे तो बढ़ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन तिनकों के घोंसलों से निकलकर उड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। कितने साल बीत गए इस संसार के सराय में, एक दिन तो निकल के जाना ही होगा। एक दिन तो पंखों में परवाज आएगी, तिनकों के घोंसलों से निकल के उस आसमान में उड़ना ही होगा। एक दिन ये आत्मा को बाहर निकलना ही होगा, तब अनुभव में क्या आएगा। इसलिए इस चौथे पादान में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए, तुम्हारी रूह बेचैन ना हो जाए। इसलिए आज ही अपने जहन में इस बात को बिठा लो,
समझा दो अपने आप को कि तेरे पिता ने, हमारे पिता ने, हमारे प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। निहारो उसे, देखो उसे, समझो उसे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। छुपो मत, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने जगत को संभाल के रखा है, जिसने जगत को संजोए रखा है, जिसने सृष्टि को संजोए रखा है, जिसने इस संसार को संजोए रखा है, वो तुम्हें छोड़ देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने इस संसार को संजो के रखा है, मोतियों के समान जिसने पिरो के रखा है, वो तुम्हें छोड़ देगा? ऐसा कैसे होगा? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय और 6 वचन में है, वो कहता है, देख मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक ध्यान से पढ़े आप, 31 अध्याय 6 वचन, वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना धोखा दूंगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। यही विश्वास सच्ची धार्मिकता है। वो मेरे संग संग है, वो मेरे संग संग चलता है, वो मुझे कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। उसका वादा है, मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और यदि ये बात तुम्हारे जहन में बैठ जाए कि उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, यही सच्ची धार्मिकता है प्रियो। सच्ची धार्मिकता का पैमाना यह है कि वो मेरे संग संग है, उसने मुझे कभी ना छोड़ा था, वो कभी ना छोड़ेगा, उसने कभी ना मुझे त्यागा था, वो कभी ना मुझे त्यागेगा। यह है सच्ची धार्मिकता का पैमाना। वो पैमाना नहीं है जो कभी कहता है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, या तुम्हें महसूस होता है कि आपको तो आपकी प्रार्थना कभी प्रभु सुनता ही नहीं। ये धार्मिकता नहीं कहते इसे। धार्मिकता का तो पैमाना यही है, इस दृढ़ अनुभव के साथ कि उसका वादा है, मुझे उसके वादे पे यकीन है। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। अगर आपके जहन में अगर ये बात ने कभी गांठ बांध ली, तो जीवन परमेश्वर का धन्यवाद हो तर जाएगा, आत्मा मुक्त हो जाएगी, आत्मा स्वच्छंद हो जाएगी। फिर कोई डर तुम्हें ना रोकेगा, तब तुम्हें कोई डर सताएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस बात को बेहतर तरीके से जान गई है कि वो मेरे संग संग है। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये बात प्रभु यीशु ने अपने लिए नहीं कही है, ये बात आज हमारे लिए है, ये बात हमारी रूहों के लिए है। ये तो एक मिसाल बन के उसने हमें बताया आत्मा का प्रवास कैसा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 वचन में भी लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। फिर ये चिंता क्यों? वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, शायद उस परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, ये चिंता क्यों? उसका वादा तो स्मरण करो ना, मत डर, इधर उधर मत ताक। बड़ी मीठी बात कही है, बड़ी प्यारी सी बात है, जो एक पल में हम चूक कर देते हैं, उस चूक को तिनके में भी उससे कम बात में परमेश्वर ने पकड़ लिया है। कहते मत डर, इधर उधर मत ताक। एक क्षण नहीं लगता हमको, जिस पल हमें लगता कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है, हम इधर उधर ताकने लगते। इस संसार की सूखी लकड़ियों पे मनुष्य के ऊपर हमारा भरोसा चला जाता है।
प्रभु बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ा है। प्रभु यीशु का ये वदन हमारे लिए है, ना कि उसके अपने स्वयं के लिए था, ये हमारे लिए था नमूना कामिल, एक मिसाल बनके वो रास्ता बताया कि देखो इस देह से छूटकर आत्मा बड़ी महिमा को कैसे प्राप्त करती है, कितनी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इधर उधर मत ताक, मैं अपने दाहिने जोरावर हाथ से तुझे संभालूंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस क्षण ये बात तुम्हारे हृदय में बस जाए कि वो मेरे संग संग है, उसी क्षण उसके प्रेम से तुम्हारा हृदय भर जाएगा, उसी पल तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद हो जाएगा। वो मेरे संग है, वो सदैव मेरे संग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम में डूबी प्रार्थना तुम्हारे भीतर से निकलने लगेगी। अभी तो प्रार्थना हमारी जीभ से निकलती है, ओठों से निकलती है, हमारी प्रार्थना बुद्धि की है, हमारी प्रार्थना मन की है, लेकिन जिस पल ये बात, जिस क्षण ये बात, जिस पल ये बात समझ में आ जाए, प्रेम में भीगी प्रार्थना मुंह से आपके निकलने लग जाएगी, तुम्हारे ओठों से प्रेम में भीगी प्रार्थना उमड़ने लगेगी। ये तो कहते हुए भी अनुभव सा लगता है, ये कहते हुए भी इतना मीठा लग रहा है, प्रेम में भीगी प्रार्थना, प्रेम में भीगी प्रार्थना निकलने लगेगी। प्रियो, प्रेम में लबालब है, प्रेम में तर है, प्रेम में बिल्कुल भीगी चिंब चिंब सी है। इस देह के वस्त्रों के छोर से प्रेम की बूंदे टपक रही है, पानी के मानिंद तुम पूरे भीगे हुए हो। प्रार्थना का हर कतरा प्रेम में भीगा डूबा नजर आएगा। उस पल, उस क्षण, जिस पल तुम्हारी रूह इस बात को समझ पाए कि उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, उस पल तुम्हारी चिंताएं निकल जाएगी, तुम जान जाओगे कि वो मेरे संग संग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब तुम ये ना कहोगे, तब तुम ये कतई ना कहोगे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बल्कि तुम ये कहोगे, तेरा धन्यवाद हो मेरे बाप, मेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तूने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया। क्या धन्य महिमा है, इस धन्य महिमा को सलाम है मेरा, इस कुदरत को, बड़ी महिमा भरी कुदरत को, इस सामर्थ भरी कुदरत को हृदय से सलाम है मेरा। एक दिन आप भी मेरी तरह ही कहोगे, जिस दिन ये बात का अनुभव आपको हो जाएगा, वो मेरे संग है, वो आपके संग है, वो हमारे संग है। प्रियो, बहुत मोहब्बत करता है आपसे। भीग जाने दो आपकी प्रार्थना को, तर तर हो जाने दो। देह के वस्त्रों की छोर से पानी की बूंदे जैसे टपकती है, तुम्हारी रूह के वस्त्रों से, रूहानी वस्त्रों से प्रेम की दुआएं, प्रार्थनाएं टपकती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तब तुम कहोगे, हे पिता, तूने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया, तेरा धन्यवाद हो। अब मैं भी एक काम करता हूँ, अब मैं भी फिर सब कुछ तुझी पे छोड़ देता हूँ। आमीन। तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, अब मैं जान गया हूं तू मेरे संग संग है, और इसलिए अब सब कुछ मैं तुझी पर छोड़ देता हूं। आज ये ईमान लाना पड़ेगा, इस वचन की भेद को समझना पड़ेगा, सब कुछ उस पर छोड़ देना होगा। उसने सब कुछ हम पर छोड़ा, बना लो इस नरक जैसे संसार को सुख की महिमा बना लो, लिख दो जो तुम लिखना चाहो, जो बनाना चाहो वो बना लो। परमेश्वर का धन्यवाद, सब कुछ उसने हम पर छोड़ा, आज आप भी सब कुछ उसी पर छोड़ दो। जिस दिन इन तिनकों के घोंसले में से ये रूह का परिंदा
जब उड़ के निकल के बाहर जाएगा, खुले आसमान में जाएगा, इस रूह के परिंदे को ये खबर है वो मेरे साथ है, उसने मुझे कभी ना छोड़ा। उस दिन ये रूह का परिंदा हकीकी मकान पे पहुंच जाएगा। ये रूह का परिंदा कमजोर होकर कोई डाल ना ढूंढेगा कि मैं किसी डाल पे बैठ के थोड़ा विश्राम कर लूं। ये रूह का परिंदा सीधे अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये हमारे लिए एक अध्याय है, हमारे लिए एक पाठ है जो पढ़ना था हमें, जो सीखना है हमें। हम तो सालों से बस मानो किताबों की तरह, स्कूली किताबों की तरह ही परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, मन को नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आज इस वचन को आपने सुना है, हृदय में बसा लिया, तो तुमने प्रभु के मन को पढ़ लिया है। आज इस वचन के द्वारा उसके मन को हमने जाना, उसके मन को पढ़ा, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मन को हमने पढ़ लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें नहीं छोड़ा बल्कि सब कुछ हम पर छोड़ दिया। अब बारी हमारी है, हम इस जीवन को सुंदर बना ले और सब कुछ उसी के हाथ में सौंप दें, उस रब्बी के हाथ में छोड़ दें, उस प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ दें। उसी के नाम से उस महिमामय सृष्टिकर्ता को अपने आप को छोड़ दें। ये रूह का परिंदा खुले आसमान में कभी भटक ना जाएगा, कभी भटकने ना पाएगा, अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए सराय से तो एक दिन इस रूह के परिंदे को निकलना ही है, इस तिनके के घोंसले से एक दिन परवाज तो भरनी ही है। इसलिए दे दो अपने आप को प्रभु यीशु को, समर्पित हो जाओ, अपने जहन को ये बता दो, अपने मन को बता दो कि हे मेरे मन, तू ये जान ले, अपनी मनमानी छोड़, वो मेरे संग संग है, वो जो कहेगा वही करूँगा, वो जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे हाथ में, मेरे हक में छोड़ दिया था, अब मैं सब कुछ उसी के हाथ में छोड़ता हूँ। परमेश्वर धन्य है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीर्वादित करे। आमीन।